आ गया, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो यस ये तो आप देख रहे हो, दिस इज द स्पाइडर, देख रहे हो कि नहीं? तो ये आपका स्पाइडर है, तो इसलिए बहुत सारे चीजें हैं स्पाइडर के लिए जिसको आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? यू शुड नो समथिंग अबाउट द स्पाइडर, माने कुछ खासियत है उसके आपको मालूम होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? सेफलोथोरैक्स, एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया? एब्डोमेन। तो अब्दोमेन। वेरी क्रिस्टल क्लियर, टू थिंग्स आर देयर। ये देखिए आपका फेवरेट बुक लंग्स, ठीक है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख रहा है आपको नीचे में, दिस वन। यू सी हाउ मच ब्यूटीफुल डायग्राम्स आई कलेक्ट फॉर यू, बट यू डोंट रिस्पेक्ट दिस। चलाइए दैट। तो ये आपका ग्रीन वाला जो है वो नर्व कॉर्ड आ गया, ठीक है जी? ए सॉरी, ग्रीन वाला इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो रेड वाला शायद है नर्व कॉर्ड। ओके, और क्या है? ये देखिए वेनम ग्लैंड, देख रहे हो? दिस इज द वेनम ग्लैंड, सो दिस इज द आईज ऑफ द स्पाइडर, ठीक है? जो मेन चीज एक्चुअली इसमें नहीं दिखाया है वो हम अगर और कहीं देखेंगे देखेंगे, ठीक है जी? उसके बाद ये है स्पाइडर सिल्क ग्लैंड, सो डोंट थिंक कि, तो ये है स्पाइडर सिल्क ग्लैंड, ठीक है जी? चलो नाउ, अब ये हमारा आ गया, सो दिस इज द केस, और इसमें कुछ खास दिखा नहीं रहा। तो हो गया, तो देख रहे हो, तो ये आप देख रहे हो क्या? दिस इज द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में आर यू सीइंग द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन, द थ्री वेरी डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इधर देख रहे हो, ये सेफलोथोरैक्स एंड ये है एब्डोमेन, बट इधर क्या देख रहे हो? हेड अलग, थोरैक्स अलग, एब्डोमेन अलग। तो ये आपका एलिट्रा है एक्चुअली, जो सबसे ऊपर वाला विंग है वो एलिट्रा होता है, वो प्रोटेक्टिव विंग होता है। निचले वाला जो विंग है वो फ्लाइंग विंग है। सो दीज आर द लेग्स, तो ये बड़ा वाला जंपिंग लेग है, एंड जो छोटे दो हैं वो वॉकिंग लेग्स है, ठीक है जी? तो थोरैक्स में होता है, तो ये प्रोथोरैसिक लेग है, ये मीजोथोरैसिक लेग है, ये मेटाथोरैसिक लेग है, क्लियर? चलिए यस उसके बाद ये है कंपाउंड आई। ओके, कंपाउंड आई विजन, एंटेना कीमो ऑल्फेक्शन, माउथ पार्ट फीडिंग, क्लियर? तो ये आपका इतना ही दिखाया हुआ है, बाकी जब ये देख लो, दिस इज द सेक्स ऑर्गन, ओके, फैलोमियर्स, ठीक है? चलिए तो ये आपका देखो, ये देख रहे हो, ये आपका चेली सरे है, तो ये किस में मिलेगा बेसिकली? दिस इज द स्पाइडर, एंड ये मैंडिबल्स है, मैंडिबल किस में मिलेगा? कॉकरोच। तो ये देख रहे हो, ये मैंडिबल्स है, दिस इज द मैंडिबल्स एंड दिस इज द मैक्सिलिपी, ए सॉरी ये एंटीना है और क्या बड़ा वाला। चलिए तो ये अलग से हेड को दिखा रहे हैं, तो इधर आपको चेलीसरे दिख रहा है एंड ये आपके बड़े बड़े आईज, ठीक है जी? दिस इज ट्राइलोबाइट। एक्चुअली ट्राइलोबाइट क्या है? वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, वो अभी नहीं मिलते हैं, अंडरस्टूड? सो दे आर नाउ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए यस सर। पाइन्स, तो ये आपके हैं जो व्हाट, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू क्या? ये आपका हो गया, चलिए तो ये हमारा जो है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, सो दिस इज आर्थ्रोपोड, हटो ये आ जाता है जूम वाला, चलिए तो हो गया। उसके बाद आ जाए नीचे, सो दिस इज व्हाट, तो ये आप जानते ही हो, दिस इज द किंग क्रैब, या मेरा फुकली क्या है, वंस वन हाफ वन स्पून शुगर,
तो ये आपका है किंग क्रैब, इसको हॉर्स शू क्रैब भी बोलते हैं, ये है टिक्स जो डॉग्स में हो जाता है, ठीक है, सबसे खतरनाक एकेरिना, एंड दिस इज स्पाइडर्स, ठीक है, एंड ये है स्कॉर्पियन, तो इधर हम लिख सकते हैं इनके बारे में, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एरेक्निडा, ठीक है जी, सो ये आपका एरेक्निड्स हैं, ओके, सो दिस आर द एरेक्निड्स और स्पाइडर्स, तो ये क्या हो गए हमारे, बोलिए, सो दिस इज ए कैरिना, ओके, दिस इज ए कैरिना, तो ये भी बेसिकली किसको बिलोंग करते हैं, दे ऑल्सो बिलोंग टू व्हाट ऑर्डर ए कैरिना, सो दे ऑल्सो बिलोंग टू योर स्पाइडर्स। नाउ हिंदी में इंसेक्ट तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, आपका सिक्स पेयर ऑफ लेग्स होता है, पर इनमें एट पेयर है, क्या फोर पेयर, उनमें थ्री पेयर, इनमें फोर पेयर, तो इसलिए आप देख रहे हो कि नहीं, वन टू थ्री फोर, ये है वन टू थ्री फोर, इसका मतलब ये दोनों रिलेटिव है। दूसरी बात, हिंदी में हम लोग इंसेक्ट्स को कहते हैं कीड़े, इनको कहते हैं मकोड़े, तो इसलिए हिंदी रेट इंसेक्ट स्पाइडर अलग होता है, बट ओडिया में हम लोग पोक्को चोको बोलते हैं, तो पोक्को मतलब इंसेक्ट, चोको मतलब एनेलिडा, इसका मतलब ओडिया में स्पाइडर इंसेक्ट एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो हॉर्स शू क्रैब को हम लोग क्या कहेंगे, मेरो स्टोमाटा, ओके, इसको मेरो स्टोमाटा बोला जाता है, या ज़ाइफोसूरा बोलने से भी चला जाएगा। सो दिस इज, एंड ये जो है क्या, दिस इज पेलामनेस या स्कॉर्पियन, ओके, तो स्कॉर्पियन का जीनस क्या है, जीनस इज पेलामनेस, ओके, तो द जीनस ऑफ स्कॉर्पियन इज क्या, इट इज कॉल्ड पेलामनेस, ओके, डू अंडरस्टैंड, एंड ये देख रहे हो, ये उसका विशद अंत है, हाँ बोलो बोलो बोलो, चलिए नहीं बोल रहे, ये जो है, ओके, तो दीज आर मीरियापॉड्स, तो मीरियापॉड में क्या क्या आ जाएंगे, डिप्लो As well as काइलो, तो मैंने आपको बोला कि नहीं, इनका नॉमेनक्लेचर बहुत सारा बदल चुका है, तो इसलिए डिप्लो सुपर क्लास है, अब वो क्या है वो जब पढ़ोगे तो जानोगे, है कि नहीं, तो इसलिए अभी आप जस्ट जान लो कि मीरियापोडा में दोनों इंक्लूडेड हैं, अरे ये तो कैसे पकड़े, अरे ये छोड़ो, सो इन मीरियापोडा इससे पकड़ेंगे फंदे से, यस, अब आया पकड़ दो, तो छोड़ो, तो समझ में आया, तो मीरियापोडा में डिप्लोपोडा जो है ऊपर है, दिस इज योर मिलीपीड, नीचे क्या आ गया, सेंटीपीड, तो वो बिलोंग करता है काइलोपोडा, ठीक है, ये क्रस्टेशियंस आ गए, क्रैब एंड लोबस्टर्स, ठीक है जी, तो आपके क्रस्टेशियंस भी आ गए, क्रैब्स एंड लोबस्टर्स, उसके बाद क्या आ गया बताइए, नेक्स्ट में ये आ गया आपका इंसेक्ट्स, तो इसमें साइकाडा दिखा रहा है मोल्टिंग करता हुआ, तो हमने कल साइकाडा के बारे में एक बहुत सुंदर चीज पढ़ा था, क्या बोलो, तो व्हाट डिड यू रीड अबाउट साइकाडा यस्टरडे, बोलो, लार्जेस्ट नॉइज प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट, ये सबसे ज्यादा हल्ला करता है। नाउ ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई के बारे में एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट एनिमल्स टू फ्लाई, ओके, फर्स्ट एनिमल्स टू फ्लाई, तो इनके जो रिलेटिव्स हैं
ये पहले वो जानवर हैं जिन्होंने उड़ना शुरू किया. तो फर्स्ट एनिमल्स टू फ्लाई. ठीक है जी, फर्स्ट एनिमल्स टू फ्लाई. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब उसके नीचे हमने क्या देखा है बोलो? मॉथ. ओके, तो मॉथ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए. व्हाट डिड आई टीच अबाउट मॉथ? वो कैसे बैठता है? टेंट बनाकर. क्लोज विंग्स. टेंट बनाकर नहीं, टेंट जैसा दिखता है. टेंट जैसा. इट लुक्स लाइक ए टेंट. समझ रहे हो? इट लुक्स लाइक ए टेंट. इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मॉथ. एंड ये कैसे दिख बैठता है? ये आपका बटरफ्लाई, ये ओपन विंग्स बैठता है. ठीक है जी, तो इट सिट्स विद ओपन विंग्स. तो ओपन विंग्स से कौन बैठता है? मैंने आप देख पाओगे उसके विंग्स को फ्लटर करता है. बट इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ योर मॉथ, यू विल सी व्हाट दैट उसमें क्या होगा. मॉथ में वो क्लोज विंग बैठेगा. देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे क्या, वो सो रहा है. बट एक्चुअली इट इज एक्टिव एंड इट इज सिटिंग लाइक दैट. वो उसका बैठने का पोस्चर है. Fine. So, who makes your silk? Moth या your butterfly? Moth. Silk moth. Yes. And butterfly अदर काम करते हैं, pollination करते हैं. कैसे? चलो. Understand? कोई शक? तो ये हमारे कुछ examples हो गए about arthropoda. नेक्स्ट पॉइंट. ये एग्जाम्पल्स है. अब अगेन दिस इज योर सेम थिंग. इधर भी हम लोग कुछ स्पेशल चीजें पढ़ लेंगे. ओके, विल रीड सम स्पेशल पॉइंट्स. तो जैसे हेड थोरैक्स एब्डोमेन देख रहे हो, तो यहाँ फोर विंग है कि नहीं? फोर विंग एंड हाइंड विंग आराम से देख पा रहे हैं. फोर विंग या उसको मेसोथोरैसिक विंग बोलते हैं, हाइंड विंग या मेटाथोरैसिक विंग बोलते हैं. ये देख रहे हो, प्लूरॉन में आपके छोटे छोटे छेद हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स. ठीक है, ये देखिए कंपाउंड भी है एंड सिंपल आई भी है एंड एंटेना भी है. ठीक है जी, सिंपल आई में क्लियर दिखेगा? नहीं, उन लोग का सिंपल आई एक छोटा सा है. और कंसेप्चुअली सिंपल आई विजन इज बेटर इन क्लैरिटी, बट उन लोग का सिंपल आई काम करता है कि नहीं, वी आर डाउटफुल. ये आपका सेंटीपीड हो गया, ये आपका क्या है, मिलीपीड हो गया. तो हाउ विल यू नो इट इज मिलीपीड, टेल मी? ये तो दिख सेंटीपीड जैसा रहा है. सेगमेंट में चार लेग्स है, उसमें सेगमेंट में दो लेग्स है. हाँ, मतलब टू पेयर ऑफ लेग्स पर सेक्शन, उसमें वन पेयर. समझ रहे हो? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये देख रहे हो, दो दो दो, पर थोरैसिक पैर में वन वन है कि नहीं? जो एब्डोमिनल पैर है उसमें आपका थ्री पैर है क्या? जो एब्डोमिनल सेगमेंट है उसमें आपका क्या दिख रहा है? आपका टू पैर, बट इधर वन पैर दिख रहा है थोरैसिक. ये आपका डिटेल ऑफ योर कॉकरोच है, तो ये उसका अलग अलग सिस्टम दिखा रहा है. ये आपका क्रेफिश है, देख रहे हो? सो दिस इज योर क्रेफिश, या लोबस्टर भी हम देखेंगे. फाइन, दिस इज योर चेलिसरेट्स. ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल मॉडर्न क्लासिफिकेशन है. चलिए, तो अब हम लोग बैक टू नॉर्मल कलर चले जाते हैं. फाइन, आप इधर ध्यान दीजिए. सो ये आपका जो है क्या, एक्सपोज पार्ट है. तो ग्रीन में आप मालफिजियन ट्यूब्यूल्स देख रहे हो एक्सक्रीशन के लिए. ठीक है जी, ये बलून क्या है बोलो? टेल मी व्हाट इज द बलून इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड? गिजार्ड.
क्रॉप। चलिए तो ये और ज्यादा उतना क्लियर नहीं है, ये आपका है बारनेकल्स। तो दीज आर गूस बारनेकल्स, ये मैंने कम से कम हजारों हाथ में पकड़ा हुआ है। ओके, हम लोग एक बार ऐसे पिकनिक में गए थे तो मिला था, तो देख रहे हो दीज आर ऑल द हॉर्सशू क्रैब्स या किंग क्रैब्स। ओके, एंजॉयिंग हियर। सो दिस इज द क्या, माइक्रोस्कोपिक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ डस्ट माइट। ओके, एक घरों में ये होता है, बहुत छोटे छोटे डस्ट माइट आपके ड्रेस जो कपड़ों में एक्सेट्रा, तो ये है डस्ट माइट। ठीक है, सो दिस इज योर व्हाट, ये सब आपका लोबस्टर का डायग्राम्स है। तो लोबस्टर का मतलब क्या है बोलो, उसमें आपका प्रॉन जैसा बॉडी होगा एंड एक बड़ा सा आपका हाथ भी होगा क्रैब जैसा। तो समझ रहे हो, तो इसलिए यहां देख लीजिए, तो ये आपका एंटेना आ गया, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर, मतलब क्रस्टेशिया कंफर्म। बोलिए। यस सर। ये देखो चेलिसरे, तो चेलिसरे इधर बड़ा हो गया इसलिए इसका नाम चेलिपेड बन गया। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड चेलिपेड। फिर ये आपका जो वॉकिंग लेग्स हैं, फाइन, दीज आर वॉकिंग लेग्स, दिखाया हुआ हम लोगों ने, ये चलने में मदद करते हैं, सो दीज आर वॉकिंग लेग्स। ये आपका टेल फिन है, टेल फिन क्या करता है, रडर जैसा काम करता है। ये स्विमरेट्स हैं, स्विमरेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्विमिंग लेग्स। ठीक है जी, फर्स्ट स्विमरेट यूज्ड फॉर पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यही उसका डिटेल, ये सेम थिंग है, एक अलग डायग्राम में है आपके। चलिए अब ये देखो, ये आज का डेट का क्लासिफिकेशन है 2020, फाइन, दिस इज एकदम मॉडर्न क्लासिफिकेशन, सो दैट इज द केस। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, देखो, सो व्हाट ऑल वी आर सीइंग हियर, बोलिए। तो ये आपका मेजर कंपाउंड्स है, क्या क्या क्या, व्हाट आर द कैटेगरीज, कैटेगरीज क्या क्या है, देखो बोलिए, मीडियापॉड्स, दोनों के पास चेलिसरे है, एंड पैन क्रस्टेशियंस में आ गया क्रस्टेशिया एंड इंसेक्टा या हेक्सापोडा। ठीक है जी, सो ये उसका जो डिटेल है, ये जब आपको नोट मिलेगा तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, सारा पॉइंट्स दिया हुआ है। आई एम गिविंग यू सम टाइम, या अगर आप स्क्रीनशॉट उठाना चाहो तो भी उठा सकते हो, क्योंकि जनरली आप लोग ये लेते नहीं हो ना नोट, इसीलिए। चलिए, ये है आपका ट्राइलोबाइट, ये फॉसिल ट्राइलोबाइट है, मतलब इवोल्यूशन में ट्राइलोबाइट्स का आना एंड ट्राइलोबाइट्स का जाना, ये जो दो पीरियड के बीच का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं पैलियोजोइक एरा। तो समझ रहे हो, तो पैलियोजोइक एरा बिगैन विथ ट्राइलोबाइट्स एंड एंडेड विथ एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स। तो इसलिए ये जो साथ में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फॉसिल ट्राइलोबाइट है, फाइन, वेरी ब्यूटिफुली सेगमेंटेड बॉडी आप देख रहे हो, है कि नहीं, एंड एंटेना, हेड, आई, गिल्स, बायरामस अपेंडेजेस। तो बायरामस अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, हर अपेंडेजेस में दो दो आर्म्स होंगे। ओके, इसलिए उसको बायरामस बोला जाता है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट ट्राइलोबाइट्स। ये देखो, ये आ गया आपका अगेन, सो दिस इज व्हाट, मिलीपीड या जूलस, इसका नाम है जूलस बेसिकली। ये है आपका क्या, दिस इज स्कॉर्पियन। ओके, एंड दिस इज व्हाट, ये तो आपका जो बीटल शीटल्स हैं, ये आपका क्या है, दिस इज टार्डिग्राडा। ओके, दिस इज योर ग्रास हॉपर्स, ये क्रैब्स हैं, ये स्पाइडर्स हैं, ये क्या है बता सकते हो, दिस इज अ क्रिकेट। ये क्या है देखो, तो के क्या दिया है इधर, के क्या क्या,
CGHIJK, यह सल्पिक्विड दिया हुआ है, तो कुछ और होगा क्या? चलिए, ये आपका बटर, दिस इज बटरफ्लाई, देख रहे हो ओपन विंग, तो ओपन विंग स्ट्रक्चर है बटरफ्लाई, एंड क्लोज विंग स्ट्रक्चर कौन होता है? ये देखो कौन आया, सो दिस इज किंग क्रैब, तो देख रहे हो, तो व्हाट इज वेरी क्लियरली विजिबल टू यू, ये क्या है? सेफेलोथ्रैक्स, देख रहे हो कि नहीं? बहुत ही क्लियरली डिस्टिंग्विशेबली विजिबल है सेफेलोथोरैक्स, ओके, सेफेलोथोरैक्स, इसको इन लोगों में प्रोसोमा बोला जाता है, मतलब फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ओके सॉरी, तो ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट बोला जाता है। ये देखो ये क्या है, ये लंबा वाला, दिस इज टेल्सन, है कि नहीं? सो दिस इज टेल्सन, ये शार्प टेल्सन है, ठीक है जी, तो ये उसका डॉर्सल साइड है, एंड ये आपका वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे पैर हैं उसके, सो देर आर फाइव पेयर ऑफ लेग्स, 1, 2, 3, 4 and 5, तो इधर नीचे लिखा होगा, तो इसमें क्या क्या लिखा है देखिए, सिंपलाई कंपाउंड आई, एब्डोमिनल स्पाइन, सेफेलोथोरैक्स, एब्डोमेन, टेल्सन, चेलिसरे, ओके, चेलेट लेग्स, बुक गिल्स, पेडिपेल्पी, माउथ, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए तो अब ये आ जाएंगे आपके एराकनिडा, तो आप देख रहे हो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल टिक्स एंड माइट्स जो दुनिया भर के लोगों को दुख देते हैं। ये आपका रेड माइट है जो लिजर्ड, देख रहे हो लिजर्ड के बॉडी में है रेड माइट, ये तो आपके डॉग्स में ही मिल जाता है, ठीक है। इक्सोड्स, इसका नाम है इक्सोड, IXODES, ओके, इसका नाम है इक्सोड्स, फाइन। सो ये आपका माइट है। नाउ ये देखो स्पाइडर आया, स्पाइडर आया, किसी को डराने आया, किसी को हंसाने आया, तो ये देखिए ये स्पाइडर का हेड है, तो स्पाइडर के हेड में हम लोग क्या क्या चीज देख रहे हैं बताइए, कितने सारे आंख हैं, देख रहे हो छोटे बड़े मिलके, सो मेनी आईज दे हैव, फाइन। नाउ ये आईज हैं, फाइन, ये चेलिसरे हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, उसमें देखो फैंग्स भी हैं, एंड ये पेडिपेल्पी है, पेडिपेल्पी जनरली टच करने में, फील करने में मदद करता है, एंड ये जो चेलिसरे है ये मार देगा ना बेटा, फिर अच्छे से याद रहेगा ये। ये देखिए ये है क्या, दिस इज द वॉकिंग लेग, तो ये जनरली हम लोग कॉकरोच में पढ़ेंगे तो क्लियर भी, ओके। ये आपका अगेन बॉडी का सेगमेंट दिखाया जा रहा है, दिस इज योर क्या, सेफेलोथोरैक्स, एंड दिस इज योर एब्डोमेन, ठीक है जी। तो आई थिंक ऑल द थिंग्स वी हैव मेंशन, तो और ज्यादा उसको दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखिए क्या है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर स्कॉर्पियन, एंड ये देख रहे हो, तो ये आपका जो अफ्रीकन लिजर्ड है उसके बॉडी में भी टिक्स है, देख रहे हो दीज, तो दीज आर द टिक्स, ओके, ऑन अफ्रीकन लिजर्ड्स बॉडी, ये टिक है, ये टिक है, देख रहे हो कितना सुंदर उन्होंने उसके स्किन के साथ कंसील कर दिया कि ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है, देख रहे हो, आर यू एबल टू सी देम आर नॉट, सो दिस इज ऑल्सो ए टिक, बट ये उसका नॉर्मल बॉडी स्केल है, ठीक है। ये आपके मेलाकोस्ट्राका आ गए, तो इसमें आप देख रहे हो क्या, सो दिस इज योर श्रिम्प, छोटा सा चिंगुड़ी, ये आपका क्रैब है, ओके, क्रैब्स आर डेकापॉड्स, ये हर्मिट क्रैब है, तो हर्मिट क्रैब में कैसा रिश्ता है बोलो, तो व्हाट इज ए हर्मिट क्रैब, कैन यू टेल मी, सो मैथमेटिक्स बोलो हर्मिट क्रैब का, तो हर्मिट क्रैब इज इक्वल टू क्रैब इन ए डेड मलस्कन शेल, ठीक है, तो क्रैब इन ए डेड मलस्कन शेल, तो ये किस एसोसिएशन का एग्जाम्पल होगा बताओ,
So what type of association we can say they show? बताइए. Guess करो. Commensal. Commensalism. Commensal. फिर parasitism. Why commensalism? Because mollusca मर चुका है. Mollusca मर चुका है. Yes. Means the ऐसा नहीं मेरे को JJ style में explain करो. Plus for crab and zero for mollusk. क्योंकि वो already dead है. So that is the case. तो वो क्यों उसको use करता है? Why it is using that dead shell? वो तो उसको खाना नहीं देगा. Protection देगा. Protection. क्योंकि वो बहुत hard shell होता है. अगर कोई आया attack करने उसके अंदर घुस के छुप जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, दूर साला शंख है, इसको तो तोड़ा भी नहीं जाएगा, करके वो भाग जाएंगे. समझ रहे हो ना? सो दे विल नॉट अटैक दिस. सो ये है वाटर फ्ली. तो वाटर फ्ली डेफनिया. डेफनिया किसका फेवरेट फूड है बताओ? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इट इज द फेवरेट फूड ऑफ व्हाट? हाइड्रा. तो हाइड्रा जो है साइक्लॉप्स, डेफनिया, इन सबको खाता है. इसको वाटर फ्ली बोलते हैं. देख रहे हो कैसा ट्रांसपेरेंट बॉडी है. चलिए, सो दिस इज द केस. अब ये सब तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, है कि नहीं? ये कॉकरोच है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्या, लोकस्ट. ये है आपके ग्रास हॉपर्स. दिस इज ड्रैगन फ्लाई. ये पता नहीं, शायद साइकाडा ही है. ये आपके टाइप ऑफ बीटल्स हैं. ये बटरफ्लाई देख रहे हो कितना सुंदर कैमोफ्लेज किया हुआ है. ये आपका ग्रास हॉपर कैटेगरी का है कॉकरोच. एंड आप देखिए कॉकरोच में बड़ा बड़ा, दिस इज द, ये कौन सा सेगमेंट का ढक्कन है बोलो? दिस इज प्रोनोटम. देख रहे हो हमने क्या डिस्कस किया था प्रोनोटम के बारे में? लार्जेस्ट स्क्लेराइट. तो देख रहे हो अकेला प्रोनोटम हेड एंड थोरैक्स को कवर कर रहा है, जबकि थोरैक्स में तीन सेगमेंट है. ओके, तो बट अकेला प्रोनोटम सबको ढक दिया है. तो ये सबसे लार्जेस्ट इंसेक्ट है. दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर कैरोलिना मैंटिस. ठीक है, तो चलिए ये सब तो कल आपको मैंने दिखाया ही था. फाइन, ये देखो काइलोपोडा. दिस इज योर तेंतुलिया बिच्छा. तो इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कॉलोपेंड्रा. फाइन, स्कॉलोपेंड्रा. ओके, इज वेरी डेंजरस. इसका जो पहला क्लॉ होता है ये विषदंत होता है. मींस इट इज एसोसिएटेड विद पॉइजन ग्लैंड एंड वो आपको मार देगा तो कुछ तो दर्द होगा. ओके, फिर आप कौन सा गाना गाएंगे? जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई. सर इसका आगे और पीछे दोनों सेम है. हाँ, दिखता सेम है बट जो हेड है उसी साइड में आपका क्या होगा? पॉइजन क्लॉ होगा. तो आप हेड कौन सा है वो थोड़ा मैग्नीफाई करने से दिखेगा, क्योंकि अदर्स भी होंगे ना, आई वाई भी होगा. तो वैसे पीछे से. एंड नाउ सैम माय डियर, व्हाई दे हैव इट लाइक दिस? बताइए ये क्यों रखा है ऐसा? गेस करो क्या रखा है पीछे से? कोई को कंफ्यूज करने के लिए, प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए. क्योंकि वो अगर टेल साइड को मुंडी समझ के काट दिया तो भी ये बच जाएगा. समझ रहे हो ना? If it mistakes the tail as the head and bites it and eats it off, then also this animal will not die. So ये क्या एक doubt raise करने के लिए predator के मन में दिया. चलिए, तो ये सब तो हम कल discuss कर लिए थे. Okay? Sir. हाँ बोलो. हम ये भी तो बोल सकते हैं कि उसको टेल को हेड समझ के वो अटैक नहीं करेगा कुछ भी. आइदर और जो जानता है कि उसमें जहर है
वो टेल को हेड समझेगा, जो जानता नहीं है उसके बारे में वो हेड को टेल समझ सकता है, एंड सो ऑन। कुछ ना कुछ तो दुविधा होगा ना, तो लाइक दैट। जैसे दुमुंडी सांप है, एक स्नेक है सैंड बोआ, उसको दुमुंडी स्नेक बोलते। एक्चुअली उसका दो मुंडी नहीं होता है।